उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, कल शाम को ही आज के डेट के बारे में सारी बातें अवगत करा दिया गया था और ये भी बताया गया था कि 10:30 बजे तक लिस्ट बनके कोर्ट पहुंच जाएगा, सारी हमारी फाइल कोर्ट पहुंच जाएगा। वैसा ही हुआ। रात में ही सीरियल नंबर आ गया था और सुबह 10:30 बजे तक लिस्ट बन गया था और सारी फाइल 10:30 बजे कोर्ट पहुंच गया था। सुबह मेंशन नहीं करवाया गया क्योंकि फाइल नहीं पहुंचा था। कोशिश किया गया, फाइल पहुंच गया, थोड़ा विलम्ब हुआ। 10 बजे से ही फ्रेश केस का सुनवाई प्रारंभ हो गया था। 90 केस के बाद सारा केस ट्रांसफर होकर दूसरे कोर्ट में चला गया। लंच के पहले लगभग 12:30 बजे तक फ्रेश केस का सुनवाई समाप्त हो गया और एडिशनल केस का सुनवाई प्रारंभ हुआ। फर्स्ट लिस्ट में आप लोगों को पता ही होगा कि 42 केस लगा हुआ था और सेकंड लिस्ट में जैसा आप लोगों को कल ही बता दिया गया था कि फर्स्ट नंबर पे हमारा केस रहेगा और सेकंड लिस्ट में प्रथम नंबर पे हमारा केस लगा हुआ था। तो 23 नंबर तक लंच के पहले सुनवाई हो गया। लंच के बाद पहले ही हमारे अधिवक्ता कोर्ट में मेंशन करवाने के लिए प्रेजेंट हो गए, लेकिन जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि लंच के बाद कोर्ट बैठेगा 2:15 बजे। लेकिन लंच के बाद लगभग 2:30 बजे कोर्ट बैठा और फिर एडिशनल केस का सुनवाई प्रारंभ हुआ। जैसे ही फर्स्ट लिस्ट का केस समाप्त हुआ, जैसे ही हमारा नंबर आया, कोर्ट उठ गया। उठने वाला ही था, फिर हमारे वकील वहीं थे, अपनी बात रखे। उसके बाद सरकारी वकील और जज साहब के द्वारा कहा गया कि मामला हम रिलीज कर दे रहे हैं क्योंकि कल से हम डबल बेंच में सुनवाई करेंगे, डीबी में चले जाएंगे। तो ये सारी बातें हुआ, लेकिन विरोध करने के बाद भी हम लोग कोशिश किए, रिक्वेस्ट किए, अपना केस रिलीज नहीं होने दिए, उन्हीं के पास प्रेजेंट टाइम नॉमिनेटेड है। ये कोर्ट में आज का हुआ, यही सत्य था। इससे साफ जाहिर होता है हमारा नंबर 3 बजे आता है, कोर्ट 3 बजे उठता है। 1 घंटे का पर्याप्त समय था बहस करने के लिए। दोनों पक्षों के अधिवक्ता प्रेजेंट थे कोर्ट में, लेकिन जहां तक संभावना किया जा सकता है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का कुछ न कुछ दबाव है जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी पे, वरना आज भी केस का सुनवाई करने के लिए पर्याप्त समय था और इसके पहले भी कई डेट लगा है, उसमें भी पर्याप्त समय था। दोनों पक्षों के अधिवक्ता थे, चाहते तो आज भी बहस करके मामला डिस्पोज कर सकते थे, लेकिन शायद एमसी त्रिपाठी जी के ऊपर सरकार का कुछ न कुछ दबाव है, इस वजह से आज भी सुनवाई नहीं हो पाया। ये था आज का। आप देखिए आगे का, आगे का वो कल से जा रहे हैं डबल बेंच, डबल बेंच में 3-4-5 दिन के लिए जा रहे हैं, या 1 माह के लिए जा रहे हैं या 2 माह के लिए जा रहे हैं, ये अलग सी बात है। हम 3 से 4 दिन का इंतजार करेंगे या 1 सप्ताह का इंतजार करेंगे, जतो 1 सप्ताह से ज्यादा के लिए वो डबल बेंच पे जाते हैं या मार्च तक के जाएंगे, तो हम इंतजार नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अपना रणनीति बनाना शुरू कर दिए हैं। अभी कुछ देर बाद त्रिवेदी जी से मुलाकात होगा, खरे जी से मुलाकात होगा और सीमान सिंह से मुलाकात होगा। आगे पूछा जाएगा अपने स्तर से, हम सेक्शन से लेके सारे चीजें क्लियर कर लिए हैं, क्योंकि समीक्षा अधिकारी के बस में अभी हमारा नहीं रह गया है। समीक्षा अधिकारी से जो भी है कोशिश जारी है, अब रजिस्ट्रार किया जाएगा मामला और वहाँ हम संपर्क हैं। कल कुछ ना कुछ कल और परसों निर्णय निकलेगा। डेट जो शो कर रहा है 8 तारीख, उसका हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। और जब तो डीबी में 3 माह के लिए गए हैं, जब तो डीबी में कोई ऐसा उपाय है कि मेरा केस जा सकता है, अलग से बेंच बन के सुनवाई किया जा सकता है, तो रणनीतिक तहत किया जाएगा। और जब तो ऐसा नहीं हो सकता है तो भी रणनीति बनाया जाएगा, एक एप्लीकेशन 1 सप्ताह के अंदर छोड़ा जाएगा और डेट फिक्स कराया जाएगा। हो सकता है मामला चीफ जस्टिस के पास जाए और दोबारा फिर से नॉमिनेटेड हो, लेकिन हम 1 माह के लिए, 15 दिन के लिए या 2 माह नहीं कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं। बाकी किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपसे पहले के हैं। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको तन मन धन से जैसे पहले सहयोग किए हैं करना पड़ेगा। और आप न्यायालय में आए हैं
तो आपको सब्र रखना पड़ेगा। जो संभव है, हम नहीं चाहते थे कि डेट आगे जाए, हमारे लिए सब कुछ फेवर में था। हम ये चाहते थे कि आज शाम तक आप लोगों को बहुत बड़ा खुशखबरी दिया जाए, लेकिन शायद ईश्वर को आज का मंजूर नहीं था दिन, और इसमें कहीं ना कहीं सीधे सी है कि सरकार का हस्तक्षेप है। आगे जो भी रणनीति बनाया जाएगा रात में आईडियो के माध्यम से, जो भी उचित होता है और वो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। बाकी आप लोगों के द्वारा जो भी विचार होगा, जो भी एडवाइज होगा, उसका हम पालन करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। आपके अंदर जो तो कोई समस्या है या आप कहना चाहते हैं तो कहिए बेहचक, क्योंकि आपके भी भविष्य का सवाल है, हमारे भी भविष्य का सवाल है, इसमें हजारों भविष्य का सवाल है। तो जो भी संभावना है हम कोशिश करेंगे। ऐसे मोड़ पे, ऐसे स्थिति में केस आ गया है कि हमें बहुत एक बहस के बाद वर्दी मिल जाएगा, तो इसके लिए जो भी करना पड़ेगा किया जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो धरना दिया जाएगा। जो भी संभावना होगा, जो हमारे सीनियर एडवोकेट या जूनियर एडवोकेट एडवाइस देते हैं, बाकी सेक्शन से हम टच में है, हो सकता है कि किसी दिन, एक दिन, 7 दिन 8 दिन के बाद डीबी में भी उनके बेंच में सिंगल बेंच के कुछ केस जो टाइड अप है और लगे, उसमें भी लगवाने की हम कोशिश करेंगे। जो भी संभव होगा वो लगवाने, क्योंकि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जब तक जीत सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं, निश्चित नहीं कर लेते हैं तब तक हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसलिए किसी भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जो 8 तारीख आप देख रहे हैं उसको भी देख के आप भयभीत ना हो। वो साधारण ही पास ओवर हुआ है, क्योंकि रिलीज हो रहा था, रिलीज नहीं हुआ वो ऑर्डर भी नहीं दिए, आज ऑर्डर भी लोड नहीं होगा, ये भी कन्फर्म है। तो ये साधारण पास ओवर होता है तो वो छपता रहता है, और जो साधारण पास ओवर होता है वो कभी डेट छप के नहीं आता है। तो इस डेट पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि हमारा 8 तारीख को आएगा। तो इसको लेके आप परेशान जरा सा भी ना रहिए, हमें हर हाल में या तो एप्लीकेशन पे डेट लगवाना पड़ेगा या तो सेक्शन का हमें हेल्प लेना पड़ेगा। हमने जो भी संभव है तन मन धन से लगे हुए हैं, और बहुत जल्द से जल्द हमारा डेट रहेगा, जब तो डीबी ज्यादा दिन तक एमसी त्रिपाठी जी वहाँ बैठते हैं। तो जो भी हमें राय मिलता है आगे से, वो रात्रि में हम लगभग 10 बजे तक आईडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे सारी बातें। आप लोग परेशान ना रहिए, जो भी संभव हो सकता है न्यायालय में उसके लिए हम पूरी संघर्ष में है, हमारी पूरी टीम लगे हुए है। हम आप लोगों से भी ज्यादा दुखित है, लेकिन हम अपना दुख आपसे बांट भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग जरा सा भी निराश ना रहिए, वर्दी मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, बस आप लोगों का साथ और सहयोग रहा तो हम जरूर अपने मंजिल में बहुत जल्द प्राप्त होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत।